तो आप ये देख सकते हो, ये है नीलू का डांस। डर तो नहीं लग रहा है? डर तो नहीं लग रहा है? डर तो नहीं लग रहा? डर लगे है? अंदर कर दूं? पड़ गया तो? अरे मुंडो भाग दी, बड़े की दूजो की भाग जा ला करूं। हां पड़ी बजी। बिल्कुल ही डरता है यार। है भले ही गिरे ना, किसको टेंशन है, मैं तो इंतजार कर रहा हूं कब गिरे। नहीं 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 भाई, काय को गिरे यार। ले कब ये नहीं बनाना जी, और गिरे नहीं, इंतजार कर रहा हूं मैं तो कब गिरे। इसके चेहरे पे भी डर नहीं दिख रहा बिल्कुल भी। बस है नहीं यार, ये मेरे को लगता है इतनी कसकर रस्सी पकड़ लेता होगा कि साला छूटे ही नहीं। 4 साल से प्रैक्टिस है इसकी। ये पहली बार कितनी उम्र में बैठाया था आपने इसको? इसको 1.5 साल में, और छोटा वाला तो 20 दिन में। अच्छा, छोटे वाले को 20 दिन में बैठा दिया? 20 दिन में वो था ना, वो बोलते ना जापे में। हाँ। तो वो लोग बाहर नहीं आ सकते तो क्या हुआ, घोड़ी तो कमरे में जा ही सकती है ना। अच्छा, घोड़ी को कमरे में ले गए? सीधी यही गए इसी को लेके। अब क्या करवाना आप बोलो, जैसे कर सकता है। एक बार इसका राइडिंग का करवाओ ना। हाँ ये लो साहब, आप दे डायरेक्शन। उस्ताद जी कहना, उस्ताद चलाओ घोड़ी एक बार अपने हिसाब से चला के दिखाओ लोगों को, फिर अपन गेट कने ले जा, क्योंकि आप राजस्थानी बोलते हैं तो आपकी ज्यादा समझ में आएगी। समझ में नहीं आई। चलो हाँ, इसको मेरी समझ में आ जाएगी। चलो यहाँ की जरूरत नहीं है, आप बोलो जा ले जाओ, ऐसा नहीं है भाई अंदर। अच्छा, अंदर अंदर ही चला सकता है? घोड़ी चला बाहर ले, आती घुमा ले, जाऊ ले सीधे जाऊ जाओ, दो आता हूँ लगाम पकड़नी घोड़ी की, कभी एक हाथ नहीं पकड़ेगा, जाऊ ले सीधे जाऊ ले। तो ये ऐसा है कि इसी घोड़ी पे बैठ लेता है, किसी पे भी बैठ लेता है? मेरी वाली की तो मैं गारंटी ले हूं। और दूसरी भी बिठा सकता है जो सही हो, लगाम की बदमाश नहीं होनी चाहिए घोड़ी। अच्छा। आप घुमा लो उस्ताद जी, यहाँ घुमा लो, यहाँ जाऊं दो गेट कने, गेट कन जाऊं दो। चलो चलो चलो, कोई बोलेंगे शाहरुख के डर से चल दिया, आप लोग जाओ। चलो भाई चलो चलो, तो ये ऐसे आप यहीं पे घुमाते हो के बाहर भी? अरे बाहर भी ले जाओ, मेरा खेत भी जाता है 1.5 किलोमीटर अकेले। अच्छा, खुद ही चले जाता है बैठ के? घोड़ी और ये दोनों जानते हैं रास्ता। सही पकड़ बेटा, पग में अलजी घोड़ी, छोटा है ना तो रस्सी थोड़ा सा बड़ी पड़ जाती है, तो नाच के हिसाब से रखी ना, राइडिंग के हिसाब से। उसमें घुसा दो घोड़ी को, ये ले इनमें घुसा, मैं जाऊं इनमें, घोड़ाल थान में ले जा इनके, चलो ले जाएगा। शर्मिला बहुत है, बोलता कम है। अच्छा, लोग देखता है चार। तो जा रहा भी स्कूल पढ़ने जा रहा है कि नहीं जा रहा? तीन टाइम कैसे? सुबह स्कूल, फिर अपने हमारे मदरसे, फिर वापस आके ट्यूशन। अच्छा अच्छा, और घोड़ों के लिए अभी नहीं, बाद में आना भाई, ये तो अपना घर का काम है, पहले पढ़ाई कर लो। घुमा बेटा घुमा, खाना घुमा ले। कभी कभार इनकी मम्मी आपको ये नहीं बोलती क्या यार, क्या शाहरुख? नहीं नहीं मम्मी बच्चों को, अरे वो साथ में काम करवाती है, हमारे स्टाफ कोई नहीं अभी, अभी हम दोनों मिल के कर रहे हैं सुबह। अच्छा, सुबह शाम का कोई नहीं अभी, स्टाफ कहाँ भग गया? भगा नहीं है, तो सब छुट्टी पे है, ऐसे है गर्मी की छुट्टी है, गर्मी की छुट्टी है, चौमासे पे घर गए हैं, खेत बाहर है। अच्छा अच्छा, कहाँ घुमा नहीं है? इधर घुमा बेटा घुमा, जैसे जैसे घुमा, तारे घर ही घोड़ी है ना, चलो नहीं करो, ले जा बाजी बार मेर सौ बमाए बार, ले जा गेट कर हाथ कर ले जा, चलो। जब भी इसकी हिम्मत है कि भाई अकेला चला लेता है, वरना इतने छोटे बच्चे बहुत डरते हैं, बहुत रिक्सी रह जाता है। बहुत लोग चलाते हैं, बहुत बच्चे घोड़ों वालों के बच्चों के क्या प्रैक्टिस हो जाती है उनके सबके, ऐसा नहीं है मेरा अकेले का लड़का चला रहा है। चला बेटा चला,
अले धक्के अले इनके चलो चलो नीलो चलो बस आवाज दे इसको इनके चलो इशारा दे के चलो लगा इशारा दे चलो चलो अभी क्या रेस्ट में है ना घोड़ी चार महीने हो गए बिल्कुल रेस्ट में है बच्ची है पीछे अभी इसके जैसी की जैसी लाल कान अच्छा इसके बच्ची आई है क्या अभी बच्ची की बच्चा बच्ची साल का बच्चा है इस साल की बच्ची है ओके ठीक है काना उस्ताद आ जाओ इधर आ जाओ इधर आ जाओ अटी घूमो अरे काना काना से घोड़ी को भगा भी लेता है कैसे ओ सब भगाता है वो सड़क पे है जगह होनी चाहिए ना हां वो तो है आ जाओ नीचे आ जाओ अटी लिया मॉर्गन लिया तू पाछी क्या घोड़ी का मन पड़ा है बच्ची में बस कूद जा कूद जाएगा अपना अरे कूद जा भली कूदे ना कहीं फर्क पड़े ना मैं समझदार है देखा कूदना है डर तो नहीं लगा है नाम क्या तुम्हारा नाम क्या है अयान खान ओरिजिनल नाम तो रिजवान है और प्यार से कोई नहीं बोलता इसको रिजवान सब हम तो काना ही बोलते हैं काना उस्ताद काना उस्ताद दूसरा शाहरुख तू काना उस्ताद है डंडा भी इसके बराबर ही है मेरे को लगता है फिक्स ये थोड़ा टूट गया है बाकी इसके बराबर इतना है घोड़ी भी क्या प्रैक्टिस हो रही है भाई जान है घोड़ी की भी प्रैक्टिस हो रही है ये देखो तो ये भी घोड़ी को कैसे भी छेड़ दे कुछ कहता ही नहीं होगी ठंडी कर बेटा ठंडी करो घुमाओ इसको पसीने सुखो हम क्या घोड़ी नचाते हैं कुछ भी करते हैं ना तो इसको पकड़ा देते हैं 15-20 मिनट तक वापस पसीने सुखाते हैं ऐसे नहीं है जैसे घूम के आई हुई ऐसे रूम में डाल दो इसको भेज देते हो घुमाने के लिए अरे ये तो खुद इंतजार कर रहे हैं ऐसे इसको लेके तो नहीं भग जाती घोड़ी कभी गेट खुला नहीं है बाकी घर ले जाओ सीधी यहाँ से घर ले जाता घर लेके जाएगा और एक दो और साथ में लेके आएगा अपने जैसे ठंडी करो बेटा ठंडी करो फटाफट चलो चलो आपने इसको अपने जैसा ही बना दिया है क्या बना है खून ऐसा ही है बना है कुछ नहीं बनता भाई जान बनना पड़ता है उसके जैसा तो सारू भाई अभी जैसे मान के चलो कोई डांस वगैरह अपनी घोड़ी को सिखवाना चाहता है हाँ जी तो क्या है उसके चार्ज वगैरह और सिखाते भी जैसा काम वैसा पैसा अब कोई बोलेगे आपकी नीलू जैसा काम करो हमारे आप पैसे नहीं दे पाओगे भाई जान उसमें आपको कम से कम हमें आपके घर पे झेलना पड़ेगा एक साल 14 स्टेप करती है 15 कर देती है 16 भी करती है तो उसके लिए टाइम लगता है बिल्कुल मैं 20 दिन में 4-5 छात काम डाल के आ जाऊंगा फिर आप उसको जमाओगे नहीं और उन सबको खिचड़ी कर दोगे अलग नहीं रहेगा जैसे खाने बनते हैं ना शादियों में तो प्लेट्स में जमाए हुए सब अलग अच्छे लगते हैं कि गुलाब जामुन अलग है घेवर अलग है खाने सब अलग है अब उन सबको अलग डाल के ऐसे ऐसे हिलाओगे कभी कभार तो जैसे घोड़ा घोड़ी वाले जैसे आप जैसे घोड़ा किसी घोड़े को मेरी घोड़ी को डांस सिखा के आ गए फिर आने के बाद में बॉसों की तो कंप्लेंट आ जाती होगी ना यार शाहरुख भाई आप पैसे ले गए और ऐसे भी लोग रहते हैं क्या जैसे उनको खुद को नहीं कराना आ रहा क्योंकि आप जो करा सकते हो वो नहीं करा सकता ये मैं अरे वो तो क्या वो तो बेचारे 20-25-30 हज़ार दे के और कोई तो पैसे लेके भी पैसे नहीं जैसे आपने अभी मेरे से घोड़ी ली आपको पता ही नहीं है तो मैंने बोला प्रेग्नेंट है तो मेरे को भी प्रेग्नेंट दी होगी किसी ने मैंने कहा आपके सामने चेक करवाई क्या प्रेगनेंसी टेस्ट उसे बोलते हैं या तो पीडी करवाओ या डॉक्टर से हाथ डलवा के चेक कराओ भाई डॉक्टर ने बोला श्योर तो श्योर जैसे मेरे को बोला तो मैंने बोला फिर मेरे को आप मेरे को बोलोगे आप तो चोर हो आप तो धोखेबाज हो तो मैं क्या उसके अंदर घुस के देख क्या है कि वो शुभ है या खाली तो है आम बात है कभी कभार बहुत सी बार होता है कि भाई घोड़ी प्रेग्नेंट अरे क्या है और एक महीने बाद पता लगता है खाली रहेगी आपकी बात क्यों मैं मेरी खुद की काट रहा हूँ मेरी वो घोड़ी पिछले साल को मेरे बर्थडे पे गिफ्ट दिया बच्चा दिया वो घोड़ी 7 साल से मेरे घर के घोड़ा होने के बावजूद भी उसने बच्चा नहीं दिया और मैंने 50,000 रुपए तो दूसरे घोड़े डलवाने के और कम से कम 50,000 सफाई करवाने के और 7 साल घोड़ी को खड़ी खिलाया अब भी आएगी अब ये आएगी अब किल सुबर है तो नहीं भी कि डॉक्टर को ना दोष दूं या उसको किसी और को दोष दूं नहीं ये तो यार कॉमन बात है बहुत सी बार हो जाता है बहुत सारे केसों में मैंने सुना है कि भाई घोड़ी प्रेग्नेंट थी और एक महीने बाद खाली निकल गई होता है बच्चा गल जाता है अच्छा जैसे ये घोड़ी है कोई कोई घोड़ियाँ नाच सिखाते हैं तो कोई काम करते अंदर प्रेशर देती है तो कम दिनों का बच्चा होगा तो प्रेशर की वजह से दब के मर सकता है गल सकता है और तो छोटी चीज होगी गल के बाहर आएगी तो आप क्या उसको छानी लेके छान छान के लोगे बच्चा इधर था ऐसा नहीं होता भाई जान बच्चा घोड़ी 6 महीने बाद में ड्रॉप करे ना उसका अपन कह सकते हैं बाकी 3-4 महीने 5 महीने का तो क्या पकड़ोगे आपको रुई जैसा होता है वो तो पैसा में गल जाएगा तो आपको क्या डॉक्टर थोड़ी हो अपन सब जने
तो भाई आदमी अंदर उसके थोड़ी देख रहा है यार, आदमी तो श्योरिटी कर सकता है ना, और आप भी डॉक्टर की बात पे भरोसा कर सकते हो। अरे मैं घोड़ा दिखा, मेरे हाथ से घोड़ा दिखा हुआ तारीख दे सकता हूँ। अब घोड़ी एब्जॉर्ब नहीं करेगी तो मेरा हाथ थोड़ी डालना उसके आगे। तुम बच्चों के जो शुक्राणु है अंदर ही रखना, बाहर मत डालना भाई। ये हरकत है तो भाई, जो 50-50 हज़ार 1-1 लाख फीस लेते उनके साथ में भी हो जाता है, ये कौन सी बड़ी बात है। अरे भाई जान, मैं तो ये बताता हूँ, ये लाइन में तो कैश ऑन डिलीवरी, कैश लो, काम करो, जो है आपकी है। और उधारी कर दी तो वो वापस आएगी? उधारी में तो फिर आप रोते रहो माते के हाथ दे के, ऐसे कहेंगे। वो लाल पेन से लिख दो आपके शाहरुख भाई में आ जाए तो एन की ऊपर वाले। मैं क्या बोल रहा हूँ, लाल पेन से लिख दो, आ गए तो आपके, नहीं तो लाल पेन से लिख के उस पर लाइन मार दो। कुछ नहीं आने वाला, क्या पकड़ोगे आप? बिल्कुल वो तो है, कोई बोलेगा घोड़ी मर गई, कोई बोलेगा ये हो गया, फलाना हो गया। और हर बार होता है घोड़े वालों में तो बहुत कुछ होता है, मेरे में भी हो गया अभी साल, होता है बस कुछ। नहीं बाकी आपने अपने बच्चे को दोनों को अच्छा ट्रेंड कर रखा है। ट्रेंड क्या, अब ये रोज देखते हैं, डर है नहीं तो पूरी ठंडी करके मानेगा घोड़ी को है। नहीं पसीना पहले नचाई हुई थी और इसने घुमाई है, इसको पता है कि जितना मिनट घुमाओ जितना मिनट नचाओ 20-15 मिनट ठंडी करो वापस, पसीना सूख जाए। तो अभी बाहर घुमा रहा था इस घोड़ी को शायद है। हाँ बाहर लेके गया था ना, अभी नचाई थी अपन ने उस टाइम। ओके हाँ जी,